हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी हाउ टू इंस्टॉल रिडक्स डेवटूल्स। जी हाँ गाइस, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, वी हैव दिस ऑसम टू डू एप्लीकेशन जिसको हम रिडक्स की मदद से हमने क्रिएट की है। कुछ भी गाइस अगर हमें डिबग करना हो, स्टेट्स देखने हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गाइस हम अगर आप जाओगे तो रिएक्ट में वी हैव अ कंपोनेंट्स जहाँ पे ऐप में क्या चल रहा है, हमारे कितने स्टेट्स है, क्या क्या नहीं है, सब कुछ हम यहाँ पे देख सकते हैं। बट जब हम काम कर रहे हैं इन रिडक्स एप्लीकेशन, तब क्या रिडक्स के जो स्टेट है या जो स्टोर है बेसिकली उसको फाइंड आउट, उसके डिस्पैच, उसके एक्शन, उन सब को फाइंड आउट करने के लिए डू वी हैव एनी डेव टूल्स? येस, ऑब्वियसली रिडक्स का भी अपना एक डेव टूल्स है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो आई विल शो यू हाउ टू इंस्टॉल दैट रिडक्स डेव टूल्स एंड उसकी मदद से कैसे आप अपने लाइफ को ईजी कर सकते हो। बेसिकली आप जो भी डिबग एंड ऑल जो आपको करना हो आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो मैं आपको बताता हूँ इन सिंपल वर्ड्स। अगर मैं आपको बताऊँ सो दे आर टोटल 3 स्टेप्स, जिसमें से सबसे पहला है गाइस आपका क्रोम। बेसिकली आप सपोज मैं तो आप चलो गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, इट में पॉसिबल यू आर यूजिंग सफारी अगर आप मैक यूज़ करते हो, इट में पॉसिबल कि आप फायरफॉक्स, ओपेरा या माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर, तो आप कुछ भी यूज़ करो, इट डजेंट मैटर। इट जस्ट कि आपको रिडक्स डेव टूल्स का जो एक्सटेंसन है वो आपको मिल जाएगा, जस्ट इंस्टॉल, ठीक है। डोंट वरी, मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो एंड देन यू हैव टू जस्ट इंस्टॉल एंड दैट्स इट। तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, यू नीड टू इंस्टॉल द रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंसन इन योर प्रिफर्ड ब्राउज़र, जो भी आपको मानो उस ब्राउज़र में, ठीक है। सो दिस इज़ योर नंबर 1। नंबर 2, अब आपको क्या करना है कि रिडक्स डेव टूल्स का जो npm पैकेज है उसको अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में इंस्टॉल करना होगा। सो अगर आप देखो, हम एक चीज़ बताता हूँ, ये तो चलो टाइपस्क्रिप्ट वर्जन है लेटेस्ट जो भी है, बट अगर आप नॉर्मल वाले पे चलते हो ना, तो वो अगर आप जाओगे तो वहाँ पर अब आपको गाइस कुछ वो बताएगा डेप्रिकेट हो चुका है एंड ऑल सब कुछ, तो वो वाले को आप मत यूज़ कीजिए, ठीक है। अब फिलहाल मुझे दिख भी नहीं रहा अभी यहाँ पे वो, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है, ये जो एक्चुअल वाला है इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे, हाँ या आई थिंक इस पर अगर आप जाते हो ना, तो ये देखो बता रहा है दिस पैकेज हैज़ बिन डेप्रिकेटेड, ठीक है। तो इसको यूज नहीं करना, पैकेज मूव टू ये वाला, ये जो भी है बेसिकली दिस वन, ठीक है। सो हियर वी हैव दिस पर्टिकुलर पैकेज का इंस्टॉलेशन वाला तरीका, या दिस इज़ द इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गई हो, यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ इस तरीके से। तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको इसको क्या करना है, इंस्टॉल करना है। तो मैं कॉपी कर लेता हूँ, अपने VS Code एडिटर पे आता हूँ। तो बेसिकली आपको अपने टैब पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। सो एक बार चेक करो, कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आके बस आपको इस तरीके से आपका जो भी रूट होगा वहाँ पे जाके आपको इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। एंड एंटर हिट करना है, आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। सो मैं आपको package.json फाइल दिखा देता हूँ कि कैसा है। सो दिस इज़ दी package.json फाइल, जहाँ पे आप देख सकते हो हे वी हैव दी रिडक्स 5.0.1 का मेरा लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो स्टेप 1 इज़ डन, स्टेप 2 इज़ ऑल्सो डन। नाउ द लास्ट थर्ड स्टेप, थोड़ा सा वेड है वो, बट इट्स फाइन, क्योंकि अब तक हमने कोई मिडलवेयर यूज़ नहीं की है। जहाँ पे रिडक्स थंक मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगा कैसे आप API एंड ऑल वो सब के साथ डील कर सकते हो। बट या आप बहुत ईजिली देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप इंस्टॉल कर सकते हो। डैट इज़ इम्पोर्ट ये पर्टिकुलर आपका कंपोनेंट या बेसिकली ऑब्जेक्ट कह लीजिए, एंड देन फ्रॉम आवर ये जो भी है, तो जस्ट कॉपी, ठीक है। यहाँ पे आइए, आपका जो मेन store.jsx फाइल है वहाँ पे आपको आना है, आके बस इस तरीके से आप इसको ऐड कर दीजिए। नाउ ये जो भी आपका जो भी आपने गाइस ये बेसिकली डिस्ट्रक्चर करके जो भी वैल्यू आपको मिली है कॉपी कीजिए। हेयर हमने स्टोर क्रिएट की थी विद द हेल्प ऑफ क्रिएट स्टोर विच इज़ ऑल्सो डेप्रिकेटेड, क्योंकि हम रिडक्स के साथ काम करें। बट नाउ डेज रिडक्स टीम प्रीफर बेसिकली वो एडवाइस करते टू गो विथ रिडक्स टूल किट, जो मैं अब आपको इसके नेक्स्ट बताने वाला हूँ। सो टास्क रिड्यूसर, तो बेसिकली अपना एक्चुअल रिड्यूसर है, तो उसके बाद एक कॉमा दो एंड देन वहाँ पे जाके आप ये ऐड कर दो, ये जो कंपोज विथ डेव टूल्स। आप देख पा रहे हो कुछ हमने इस तरीके से कोड लिखा, कंपोज विथ डेव टूल्स, ठीक है। इस तरीके से करना है बस, आपका जो भी स्टोर का नाम है कॉमा है ये, बस खत्म, इतना। ये 3 स्टेप्स आपको इम्प्लीमेंट करने थे। मैं यहाँ पे चल के एक बार इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा एंड एक बार लेट चेक इट आउट। एक्सपेक्टेड द रिड्यूसर टू बी अ फंक्शन। अब यहाँ पे ये जो हमें वार्निंग दिखाई दे रहा, तो क्या कीजिए आप वापस इधर आइए एंड यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पे कंपोज विद डेव टूल्स एंड देन वी हैव दिस बेसिकली पैरेंथेसिस एंड देन उसके अंदर मिडलवेयर को इन्होंने ऐड किए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे भी आते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ वैसी रिड्यूसर फंक्शन कॉमा कंपोज एन आंसर, चलो जो उन्होंने यहाँ पे उसको इस तरीके से वो किया हुआ है। बट एक चीज़ है कि पैरेंथेसिस इन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो आई गेस यहाँ पे मुझे पैरेंथेसिस लगाना पड़ेगा। सो कंट्रोल एस सेव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से मैंने ये मिस की थी यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, कंट्रोल एस सेव, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे, है ना। ऑलराइट, ऑसम। सी ये हम क्या कर रहे थे, देखो ना कितना, ये तो मैंने कंसोल पे रखा तभी ऐसा मुझे दिख रहा है एंड मुझे पता चल रहा है। बट क्या हो अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड देन हेयर वी हैव दिस पर्टिकुलर, अगर मैं आपको दिखाऊँ सो हेयर वी हैव अ रिडक्स का ऑप्शन, ठीक है। तो मैं अगर रिडक्स पे क्लिक करता हूँ, अगर गाइस आपको दिख नहीं रहा तो जस्ट रिफ्रेश एंड मेक श्योर कि प्रॉपरली इंस्टॉल हुआ एंड बूम गाइस सी, वाव सी स्टेट, टास्क, कौन कौन से टास्क है, क्या है क्या नहीं है, आप देख ही पा रहे हो गाइस, ये कितना ऑसम लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे पूरा टास्क बता रहा है ये क्या है क्या नहीं है, इतने सारे। बेसिकली आपको इस तरीके से दिख रहा है बिकॉज बॉटम पे आप देख लीजिए यहाँ पे कि इंस्पेक्टर, लॉग मॉनिटर, चार्ट, फिलहाल अभी चार्ट पे हमने क्लिक कर रखा है बट मैं इंस्पेक्टर पे चलूँगा। सो नाउ मैं एक बार अब फिर से इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा, तो आप देख सकते हो कि जब हम फर्स्ट टाइम पेज को रिफ्रेश करते हैं ना तो ऑलरेडी इतने सारे जो एक्शंस है वो डिस्पैच हो चुके होते हैं, जिसमें से ये है, फिर ये है बाई एप्पल, फिर ये है बाई मैंगो, फिर ये है जिसमें बाई बनाना, ये है जिसमें बाई ग्रेप्स। एंड बाय द वे मैं यहाँ पे डीपीओ, बट मैं अगर एक्शन पे जाता हूँ सो सी दिस इज़ आवर एक्शन। देखो टाइप ये है टास्क हाइफन ऐड पेलोड, एक्स्ट्रा डेटा जो है वो ये है, ठीक है। मैं अगर इस पे जाता हूँ तो बाई मैंगो ये एंड देन ये। अब चलो एक काम करता हूँ, ग्रेप्स में हटा देता हूँ। ये देखो कितना ऑसम है ना ये, कि द मोमेंट मैंने क्या एक्शन किया, मैंने कौन सा एक्शन परफॉर्म, बेसिकली किसको मैंने डिस्पैच की, कौन सा एक्शन को मैंने डिस्पैच की, तो यहाँ पे देखो बराबर आ गया। देखो टास्क डिलीट, जिसमें टाइप, सॉरी टाइप मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा, जी हाँ ये देखिए आप देख लो यहाँ पे टाइप क्या है आपका टास्क /delete एंड किस आईडी नंबर को डिलीट किया आपने, तीसरे नंबर के आईडी नंबर को। कितनी ईजिली हमें ये चीज़ें बता रहा है, राइट। तो ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। चार्ट आप देख सकते हो, ये देखो चार्ट में ऐसा है, रॉ में कुछ आप इस तरीके से देख सकते हो, ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमने इस तरीके से तो डेटा पास किए ना। स्टेट आप देख सकते हो कि क्या हो गया, जब डिलीट कर दी तो अब जो हमारे पास स्टेट बचा वो कुछ ऐसा है। तो गाइस इतने सारे चीज़ें हैं यहाँ पे, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको, है ना। एंड द बेस्ट पार्ट ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये है गाइस आपका ट्रांजिशन, फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे गाइस आप जंप कर सकते हो कहाँ जाना है। सपोज मुझे ये यहाँ देखना है कि जब ये वाला सेकेंड एक्शन को जब मैंने डिस्पैच किया था तब क्या सीन था। अच्छा इसका मतलब ये कि यहाँ पे एप्पल एंड यहाँ पे ये मैंगो, ओके मुझे अब यहाँ पे जाना है, अच्छा ये मुझे अब यहाँ पे जाना है, अच्छा ये मुझे अब यहाँ पे जाना है, अच्छा ये। तो आप समझ रहे हो गाइस आपका कितना ज़्यादा ऑसम है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे आई नो आपको दिख नहीं रहा है बट जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता नाउ। या तो आप देख सकते हो भैया ये जगह पे, ठीक है ये देखो यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अगर इस वाले पे मैं क्लिक करूँगा ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है, ठीक है हालांकि मैं उसी बॉक्स पे ही हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना खुद का भी एक्शन को डिस्पैच कर सकता हूँ। जैसे मुझे नॉट दिस वन, ये ठीक है ये वाला, सपोज इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कॉमा, ठीक है। नाउ आई वॉन्ट टू पास द पेलोड एंड पेलोड में मैं लिख देता हूँ बाय पेंसिल, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं ये जो डिस्पैच दिख रहा है यहाँ पे डिस्पैच ओवर, इस पर क्लिक कर दूंगा एंड बूम गाइस ये देखो आपका एक ऐड, देखो एक एक्शन को डिस्पैच हो गया ये, है ना। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो बाय पेंसिल। तो मतलब आप यहीं से भी चेक कर सकते हो अपनी चीज़ों को कि भाई जो भी एक्शन आप परफॉर्म करना चाह रहे हो क्या प्रॉपर हो रहा है या नहीं, पहली बार में क्या हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ, तीसरे में क्या क्या हो रहा है। स्टेट आप देख सकते हो, चार्ट आप देख सकते हो, पूरा का पूरा चार्ट अगर देखना हो तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो क्या है क्या नहीं है। तो मैं गाइस ये बहुत ही ज़्यादा, रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दो, है ना। तो आई गेस गाइस आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जब आप एक्चुअल में और इसके साथ डीप जाओगे तब आपको और रियलाइज़ होगा, वाओ यार मज़ा आ गया। आप जो जो कंसोल कर रहे थे ना एटलीस्ट आप वो करने की नीड नहीं है, डायरेक्टली यहीं पर ही जो जो चीज़ें आपको चेकआउट करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। सो या दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये रिडक्स का डेव टूल्स कैसा लगा एंड आपका ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। एंड बताना चाहूँगा गाइस अभी तक अगर आपने बाकी के प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। कल हम देखेंगे रिडक्स थंक मिडिलवेयर एंड देन हम रिडक्स टूल किट पे जाएंगे एंड देन नोड एंड देन एक्सप्रेस को हम करने वाले हैं टैकल। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आई नो फिलहाल अभी आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, बट इन रियल लाइफ कंपनी में ये चाहिए ही चाहिए, नो मैटर व्हाट। सो दैट्स वाई गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो पसंद नहीं आ रहा है डिसलाइक कीजिए, आपके ऊपर, बट कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। एंड नाउ नेक्स्ट टारगेट इज 7 लाख सब्सक्राइबर, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।